बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं तंदूरी आलू, बहुत ही मज़े के चटपटे से। यहाँ पे हमने तीन बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं जो कि उबले हुए हैं, और इन्हें इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। उबालना इस तरह से है कि ये 10 मिनट उबले हुए हैं, फुल उबला हुआ नहीं है। अगर ज़्यादा उबाल लेंगे तो वो मिक्सिंग में ही टूट जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 80% कुक आलू हमें चाहिए। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल जिसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। इसमें जा रही है 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। इन दोनों को मिक्स करें, बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी इससे। मिर्चें और ऑयल अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 1 टीस्पून है पिसी हुई सौंफ मिर्च। ये चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई जो हमारे घर में दूध के ऊपर होती है। मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। कहीं अच्छा सा मिक्स हो गया है तो इसमें डालने लगी हूँ 1/2 कप दही जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे कि इसके सारे लम्स निकल जाएं। इसमें सारे आलू डाल देंगे जो कि उबले हुए हैं, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आलू को कोट कर देंगे अच्छा सा। देखें ये हमारा बैटर कितना गाढ़ा सा है, इस तरह गाढ़ा है। तो इसमें इसको खूबसूरत बनाने के लिए डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालें। एक शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की, क्यूब में मैंने सारी चीज़ों को काट लिया है। एक प्याज है बड़े साइज़ का और एक दरमियाना टमाटर है। सब चीज़ों के जो बीज वगैरह हैं वो निकले हुए हैं, देखें इससे ये खूबसूरत कितना लगता है। मुझे खूबसूरत चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो खूबसूरत बनाएंगे तो खाने वालों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा। ये सारा बैटर डाल देंगे हमारे एक गर्मा गर्म से पैन में। हाई फ्लेम पे रखेंगे, 5 मिनट कुकिंग है इसकी। इतनी मज़ेदार सी स्टीम इसमें से निकल रही है, खुशबू बहुत अच्छी है। 5 मिनट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें जो हमने ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून वो आ गया बाहर, तो इसमें डाल रहे हैं हमारे पास है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हाथ से इस तरह से करते हुए डालेंगे, 1 टीस्पून है। मेथी के ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून हमारे पास मेल्टेड बटर है। यहाँ पर मैंने रख दी है एक स्टील की प्लेट, उसमें रखेंगे कोयला। इसमें डालेंगे कुछ बूंदे ऑयल की और इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। देखें जी बेहतरीन सी स्टीम के साथ सिजल होते हुए हमारे आलू, इसमें से ये बाहर निकाल देंगे। किसी भी सब्जी का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी ऑफ द डिश है। इतने गरम गरम से आलूओं को डालते हैं हम। यहाँ पर हमने बनाया है बहुत अच्छा सा लच्छेदार सा पराठा। इसमें डालने लगे हैं हमारे गर्मा गर्म से तंदूरी आलू। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा है। इस पे डाल देते हैं हमारी जूलियन अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें जिसके बीज निकाल लिए हैं, थोड़ी सी हमारी होममेड लहसुन मिर्च की चटनी कहीं कहीं पे डालेंगे, बहुत मज़े का फ्लेवर देती है ये।
देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रेड ग्रीन और सारी चीज़ों का क्रंच अभी तक वैसा ही है। वेजिटेबल्स का ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, खाली आलू भी डाल सकते हैं और सब्जी कलर के लिए अच्छी लगती है। इसको रोल कर देंगे इस तरह से और इस तरह से।